कि जब से अशोका की वो रियासत खत्म हुई है उस वक्त से लेकर आज तक दोबारा अखंड भारत नहीं बन सका। हिंदुओं की फौजी ताकत उसके बाद से कम होती गई है, कभी इतनी इस मकाम पर नहीं पहुंची कि ये नेपाल से लेकर काबुल तक की हुकूमत बना सकते। अशोका इनका न सिर्फ रोल मॉडल है बल्कि ये उसको जिस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी में और अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी में आज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसकी मिसालें सिर्फ ये देख लीजिए कि इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है उनके पासपोर्ट पे जो उनका निशान बना हुआ है चार शेरों वाला एक निशान, वो निशान और इनके जो झंडे के ऊपर एक गोल दायरा बना हुआ है जिसमें एक पहिया सा बना हुआ है, ये दोनों निशानात अशोका की सल्तनत के हैं। यानी इससे अंदाजा कीजिए अशोका डायनेस्टी से, इससे अंदाजा कीजिए कि किस तरह ही अपने आज के इंडिया को रिलेट करते हैं अशोका के साथ। जिस तरह हम क़ुरून उला से अपने आप को ताल्लुक को जोड़ते हैं, हम अपने गोल्डन पीरियड को वो जोड़ते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुल्फ़ा राशिदीन और उसके बाद वाले मुसलमान को जो पीरियड या खिलाफत उस्मानिया या उंदलुस की हुकूमत या मुसलमानों के अब्बासियों का वो दौर जब पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे, हमारे लिए वो रोमांटिक पीरियड्स हैं। इसराइलियों के लिए वो रोमांटिक पीरियड है कि जब सपोजिटली इनकी रियासत पूरे मिडल ईस्ट पर फैली हुई थी। हिंदू ज़ायनिस्ट के लिए वो रोमांटिक पीरियड है कि जब ये आइडियली नेपाल से लेकर काबुल तक फैले हुए थे। और अशोका के साथ साथ इनका जो दूसरा थिंकर फिलोसोफर जो अशोका ही की हुकूमत में उसी मौर्यन एम्पायर का एक वजीर आजम था, चांकिया उसका नाम था, और चांकिया ने जो आइडियोलॉजी जो फिलोसफी बिल्ड की थी आज वो प्रैक्टिकली नेशनल पॉलिसी है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, इंडियन डिफेंस पॉलिसी की, इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटजी की और इंडियन डिप्लोमेसी की। चांकिया नो डाउट एक बहुत फैसिनेटिंग थिंकर था, यानी जिस तरीके से सांजू चाइनीज में गुजर के गया है, जिस तरीके से क्लॉसविट्स गुजरा है जिसने वॉर के ऊपर एक किताब लिखी है, जिस तरीके से मैकेविली ने प्रिंस के नाम से किताब लिखी है, तो चांकिया ने भी एक बहुत मोटा बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट लिखा है। खूबसूरत इन द सेंस कि इट वॉज उस वक्त के लिहाज से और इट वॉज अ फैसिनेटिंग डॉक्यूमेंट इंडीड। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आज इंडिया की डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चांकिया की दी हुई फिलोसफीज के ऊपर उसकी डिफेंस स्ट्रेटजीज पर रिसर्च कर रहे हैं, यानी उसके टेक्स्ट को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। यानी उसने ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ऐसी ऐसी मटेरियल दिया है कि जिसके अंदर यानी मिसाल के तौर पे कि अगर सोल्जर्स को ऐसा खाना खा लें कि एक महीने तक वो बगैर खाए पिए रह सकते हैं, कोई ऐसे बूट बनाने का उसने डिजाइन दिए हुए हैं कि अगर पहन लें तो सोल्जर कई मील तक चलते हैं और थकते नहीं है। ये मजाक नहीं है, इंडियन डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर उस पर रिसर्च कर रहे हैं आज। यानी दैट इज सो मच एम्फेसिस दे गिव ऑन चांकिया एंड द एम्पायर ऑफ अशोका दैट वॉज क्रिएटेड ऑन दैट टाइम। देखिए जब आप इस एम्पायर को और चांकिया को समझ लेंगे, अशोका डायनेस्टी को और चांकिया आइडियोलॉजी को समझ लेंगे, तो आपके लिए फिर हिंदू ज़ायनिस्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है। जो दिक्कतें आज के दौर में ज्यू ज़ायनिस्ट को हैं, एग्जैक्टली वही दिक्कतें और वही ख्वाहिशात हिंदू ज़ायनिस्ट की हैं। इनका नेचुरल अलायंस बनता है। देखिए जो ज़ायनिस्ट स्टेट है, जो ज्यू ज़ायनिस्ट स्टेट है, ग्रेटर इसराइल है, उसने भी मुसलमान इलाकों पर बनना है, उसके भी बदतरीन दुश्मन मुसलमान है, इन्होंने भी मुसलमान इलाकों पर फैलना है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान के जो इलाकों पर ये फैलना चाहते हैं, इनके भी बदतरीन दुश्मन मुसलमान हैं, उनके पास भी मुसलमान मुजाहमत पेश कर रहे हैं, इनके पास भी मुसलमान मुजाहमत दे रहे हैं, इनका एक नेचुरल अलायंस बनता है। फिर सबसे बढ़कर कि पाकिस्तान इन दोनों का कॉमन दुश्मन है, बींग एन इस्लामिक न्यूक्लियर पावर। सबसे बड़ा खतरा जो हमने बात की थी कि देखिए इस वक्त जो जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है वो एक न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर आर्म्ड सिविलाइजेशन है। इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इंग्लैंड के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, वेस्टर्न पावर्स के पास भी है। उनके मुकाबले में एक रशियन सिविलाइजेशन है, वो भी न्यूक्लियर आर्म्ड है। उनके मुकाबले में एक चाइनीज सिविलाइजेशन है, वो भी न्यूक्लियर आर्म्ड है। उसके मुकाबले में एक हिंदू सिविलाइजेशन है, वो भी न्यूक्लियर आर्म्ड है। और उसके मुकाबले में पूरी मुसलमान दुनिया में सिर्फ हम हैं पाकिस्तानी जो न्यूक्लियर आर्म्ड है। तो देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट एक्सेस है, जो बड़े बड़े थ्रेट हैं, अगर ये न्यूक्लियर वेपन मिस्र के पास होता तो इसराइल के लिए मिस्र थ्रेट होता, पाकिस्तान थ्रेट ना होता। और लेकिन इंडिया के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाती कि इसराइलियों को यह दावत दें पाकिस्तान को कॉमन एनिमी के तौर पर। उस वक्त इसराइल का फोकस मिस्र पे होता, लेकिन वो बात नहीं है। अल्लाह ने हमें न्यूक्लियर पावर बनाया, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम मदीने के बाद एक दूसरी इस्लामी नजरियाती रियासत है। तारीख में इसका पसमंजर मौजूद है कि किस तरीके से मुशरिकीन मक्का खैबर के यहूदियों के साथ मिलकर मदीने की इस्लामी रियासत के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। आज एग्जैक्टली वही सिनेरियो 1400 साल के बाद प्रिंट हो गया।
सो नॉट जस्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दी ज्यू ज़ायनिस्ट वेस्टर्न ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी इन देयर ऑब्जेक्टिव्स, हमको उनका उस नेक्सस और उस एक्सेस को समझना है कि जो हिंदू ज़ायनिस्ट डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और जो ज्वाइंट स्ट्रेटेजीज इन दोनों की बनती हैं, पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती न्यूक्लियर आर्म्ड मुस्लिम स्टेट को जो उम्मत मुस्लिमा को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके खिलाफ इसकी क्या एक्सेस है। तो ये बुनियादी तौर पर हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि हम इस एक्सेस को समझें, इसको तोड़ें, इसको काउंटर करें, और अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव पॉलिसी को या अपनी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव पॉलिसी चाहते हैं उसको हम डेवलप करें ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अखंड भारत या ग्रेटर भारत, द एम्पायर ऑफ अशोका, द कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफी एंड आइडियोलॉजी ऑफ चांकिया, ये फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं। इनको समझे बगैर ना तो फॉरेन पॉलिसी बन सकती है पाकिस्तान की, ना डिफेंस पॉलिसी बनेगी, ना हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी तारीख से वाकिफ नहीं रहे, नतीजा यह है कि दुश्मन हमारी ज्योग्राफी को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। जैद साहब, आई हैव अ वेरी सिंपल बट वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। इफ इंडिया एंड इसराइल आर सच ग्रेट फ्रेंड्स, देन व्हाई डजंट इंडिया हेल्प इसराइल ऑब्टेन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? इसराइल इज अ न्यूक्लियर पावर। यू सी, जो विनोनू ने, जो इसराइली आर्मी था जिसने सारे सीक्रेट्स इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बाहर खोल दिए थे और 18 साल जेल दी है उन्होंने, इसको अभी रिलीज हुआ है वो बेचारा, उसने सारी बात खोल के रख दी थी और पूरी दुनिया को मालूम है कि इसराइल के पास 60 से 80 के करीब वॉरहेड्स मौजूद हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इसराइल इज अ डिफेक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और उनकी और इंडिया की इतनी क्लोज कोऑपरेशन है कि सिर्फ पिछले हफ्ते अभी इसराइल का एक स्पाई सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया है स्पेस में, सिर्फ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे जासूसी करने के लिए, और वो इतना एडवांस सैटेलाइट है कि वो बादलों के पीछे से भी तस्वीरें खींच सकता है। और ये पिछले हफ्ते की बात है कि इंडिया ने लॉन्च किया है इसराइली सैटेलाइट, नाम उन्होंने दिया है कि ईरान पे जासूसी करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ईरान पे जासूसी करने के लिए नहीं है यकीनन, क्योंकि अगर ईरान पे होता तो फिर ईरान और इंडिया के जो आज के करीबी ताल्लुकात हैं वो डिस्टर्ब हो जाते। ईरान ने कोई शिकायत नहीं की इंडिया से, यकीनन इंडिया ने गारंटी दी होगी ईरान को कि हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। और इसराइलीज बराह रास्त इस वक्त पूरे कश्मीर में, अफगानिस्तान में और इंडिया के अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी इंडिया के साथ ताबुन कर रहे हैं, और इंडियन एम्बेसी इन इस्लामाबाद इज ऑलमोस्ट एन ऑफिशियल एम्बेसी फॉर द इसराइलीज ऑल्सो। तो इसराइल का जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है किस हद तक डेवलप हो चुका है और उसकी अब किस स्टेज पे है वो? वो एक बहुत एडवांस स्टेज पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट अलॉन्ग विद द डिलीवरी सिस्टम, उनके पास मिसाइल्स भी हैं, उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन बेस्ड वेपन्स भी हैं, और इसराइली सबमरीन आमतौर पर अगर आपने उनको देखना है कि वो कहां पाई जाती हैं, तो वो इंडियन ओशन है, पाकिस्तान के साहिल पर और ईरान के साहिल के आसपास इसराइली न्यूक्लियर सबमरीन घूम रही होती हैं। दे आर फुली आर्म्ड, फुली कैपेबल स्टेट। ओके, लेट्स होल्ड दिस थॉट राइट हियर, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अराइवल ऑफ इस्लाम, ये सब कहां से शुरू हुआ, किस तरह इस्लाम इस खत्ते में आया, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दैट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री। इस बात को तारीफी पस मंजर में देखे पाए, जैसे हमने बात की ना, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आज इनके साथ मसला क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम टुडे। हम मुसलमानों की एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि हम तारीख भूल जाते हैं, ये नहीं भूलते हैं।